हेलो स्टूडेंट, आज हम वापस डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि भाई एयर जो है वो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में हर जगह प्रेजेंट है, प्लस तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज वाटर, वेपर, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट, thus indicate that the presence of some component of air which does not support burning. The major part of air which does not support burning can be is nitrogen. जब हमने कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने दो कैंडल्स ली थी, उसमें से हमने एक कैंडल को क्या कर दिया था, ग्लास कंपनर से कवर कर दिया। क्या कर दिया था? ग्लास कंपनर से कवर कर दिया। जैसे हमने इसको कवर किया था, उसके बावजूद एयर अंदर प्रेजेंट थी। जब एयर बुझ गई, मतलब कैंडल जब बुझ गया, उसके बाद भी बर्निंग मैंने बंद कर देगा, उसके बाद भी एयर जो है वो हमारे उसमें कैंडल ग्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो कौन सी ऐसी एयर में क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो बर्निंग में तो सपोर्ट नहीं करता, बट इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बट नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो हम लोगों के लिए डायरेक्टली तो यूज में नहीं आता, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कन्वर्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जिनको भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, हमें भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं। तो नाइट्रोजन की एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, यू मे फील हैव फेल्ट सफोकेशन, दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन मे बी एक्युमुलेटिंग इन द रूम। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेनिंग ऑफ द कंपोनेंट व्हिच पॉल्यूट अवर सराउंडिंग। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जब किसी क्लोज रूम में तुम खड़े हो और वहाँ पर बर्निंग हो रही है ना, कुछ चीज़ें चल रही है, तो तुम्हें क्या फील होगा? तुम्हें ऐसा फील होगा कि सफोकेशन से महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। सफोकेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि सफोकेशन से सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। तो सफोकेशन में जब क्लोज एनवायरमेंट है जिसमें तुम सांस भी ले पा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा होगा कि वॉमिटिंग आ रहा है, डिजीनेस की फील होने लग जाएगी, थक जाओगे ज्यादा, तो सफोकेशन में ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। सफोकेशन क्यों होता है? क्योंकि जब भी कैंडल चीजें हमने अभी नहीं समझी, जब कैंडल जल रही थी, कैंडल जल रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता था। ऑक्सीजन कंज्यूम करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता था। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से हम सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो बर्निंग में हेल्प नहीं करता। बर्निंग में कौन हेल्प करता? दैट इज ऑक्सीजन। सो अगर हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें, तो प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब भी हम कंज्यूम करते हैं, मेनली हमारे एनवायरमेंट में एयर में क्या प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और इट इज एडवाइजेबल होता है कि भाई कि तुम्हें जब भी ये जो सूखी पत्तियां होंगी या डीप हीट जोन को चलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन जब भी किसी चीज़ को हम बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के अमाउंट वो कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। तो हमें बोला जाता है कि इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज दी कि जो भी डेड लीविंग मैटर्स हो या लीव्स एंड ड्राई उनको जलाना नहीं चाहिए। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस देखना चाहते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इस देख सकें कि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें से जो गैस रिलीज हुई है ना, उसमें सॉरी जब हम अपने मुंह से ही देखें, जब हम रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एयर को, उसको हम किसी लाइम वाटर के अंदर देखेंगे, तो लाइम वाटर जो है वो चेंज हो जाता है मिलती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, जब हम उनकी सांस छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइम वाटर चेंज होती है मिलती वाटर। डस्ट एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब हम फ्यूल जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक प्रोड्यूस फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल दैट इज ओपन हार्मफुल। दैट इज व्हाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्रीज टेक्स द चाकान टू स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम अवर नोज, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। जब भी तुम किसी चीज़ को चलाते हुए बर्निंग करते हो, तो डस्ट पार्टिकल स्मोक रिलीज होता है। वो स्मोक जो होता है वो किससे मिला होता है, फ्यू गैसेस और डस्ट पार्टिकल का। हमारे एटमोसफेयर में भी डस्ट पार्टिकल और स्मोक प्रेजेंट है। डस्ट इज हार्मफुल। ये जो डस्ट और स्मोक है वो हमारे लिए
स्मोक में कुछ अदर गैसेस होते हैं जो हमारे एटमोसफेयर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, या प्लस एनिमल और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। बहुत बार देखते हो फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है, क्योंकि उसमें से जो गैसेस जलाई जाती है किसी भी चीज़ों को, तो उस चिमनी के थ्रू वो स्मोक को बाहर फेंक दिया जाता है। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो विद अ कर्टन पुल डाउन टू मेक रूम का। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउ सनलाइट टू एंटर द ओनली थ्रू अ स्लिट। लुक केयरफुली एज द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। एक रूम में जाने के लिए सारा रूम डार्क कर देना और उसमें से सिर्फ एक विंडो का ओपन करना जिसमें से सिर्फ लाइट है, सिर्फ ऐसी मतलब एक जैसे मैं किसी चीज़ को कवर करके रखूँ और उसमें से कितना गैप है, उस गैप में से सनलाइट मेरे रूम में एंटर, और उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए सनलाइट एंटर हो तो उसको तुम्हें अच्छे से डू यू सम टाइनी साइन पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट वेयर गॉड आर दिस बॉडी। तुम क्या कुछ नोट करो जब सन की रेस तुम्हारे रूम में आ रही है तो क्या उसमें तुम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स नोट आउट कर रहे हो। दैट ड्यूरिंग द विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डस्ट वैली अराउंड। जब विंटर के टाइम पर तुम जब ट्रीज के वहाँ से सनलाइट की रेस आती है तो तुम उसमें देखोगे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स अंदर में भी जैसे डांस करो। दिस शो दैट एयर ऑल्सो कंटेंट डस्ट होती है, जब टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं जहाँ हम देखो इस बुक में फिल्टर एयर में इसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज डस्ट पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डस्ट पार्टिकल हर जगह पर वेराई करते हैं, जहाँ पे देखो अगर तुम दिल्ली में चले जाओ तो स्मोक बहुत ज़्यादा वहाँ होता है, तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल फाइन हेयर्स एंड अ मुकस अराउंड एयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डू यू रिकॉल बीइंग टोल्ड बाय योर पेरेंट्स दैट यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, इफ यू डोंट डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल मे एंटर योर बॉडी। हमारे नाक के अंदर हेयर्स छोटे छोटे पैटर्न्स प्रेजेंट है, तो उनका काम करते कि जो भी एयर हमारे नाक से जाते हैं उससे से जो डस्ट पार्टिकल उसको स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद अंदर जो जाता है वो दैट इज ऑक्सीजन पार्टिकल्स हमारे गैसेज वो अंदर जाता है, बाकी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक की जो हेयर्स है उसे स्टॉप कर देते हैं। तुमने बहुत बार वो देखा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स में डांटते हैं जब तुम मुँह से सांस ले रही, क्योंकि जब तुम मुँह से सांस लोगे तो डस्ट पार्टिकल की क्या करते हैं तुम्हारे मुँह के अंदर एंटर कर जाते हैं। वैन वी मे कंक्लूड दैट द एयर कंटेन्स सम गैसेस वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनी अदर गैसेज। However, there may be some variation in the composition of air from place to place. Air में जो हम बात करें तो हम इस कंक्लूजन पर आएंगे क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, देन उसमें वाटर वेपर प्रेजेंस है। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर वेराइज फ्रॉम प्लेस, वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन है जो एयर का हमने निकाला कि भाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो सब अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, क्योंकि कहीं का एटमोसफेयर ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पे वाटर वेपर कम प्रेजेंट है, जहाँ कोस्टल एरिया जहाँ समुद्र के पास तो वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि चिपचिपा सा क्यों महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन ओशियंस के पास। वहीं अगर तुम राजस्थान की तरफ चले या ड्राई प्लेसेस में चले तो वहाँ तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगेगी, चिपचिपाहट कम होगी। दस वी सी दैट एयर कंटेंस मोस्टली नाइट्रोजन, हमें पता चला सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इन फैक्ट द टू गैसेस मेक अप 99% ऑफ द एयर, 99% ऑफ एयर कौन बनाता है, दो चीज़ें मिलकर बनाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फ्यू अदर गैसेस इन वाटर वेपर। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो 0.04% हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, पर अब धीरे धीरे लेवल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बढ़ रहा है ना। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंस है, डस्ट एंड स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर के लिए हमने देखा था कि ग्लास में जब आइस रखे थे तो उसके आजू बाजू की एयर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, जब वाटर है उसमें चेंज हो जाते थे तो उससे पता चलता है वाटर वेपर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का हमने देखा कि भाई जब कैंडल बर्न करते थे उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का हमने देखा कि जब कैंडल बर्न होने के बाद बुझने के बाद भी उस ग्लास के अंदर एयर प्रेजेंट है तो वो कौन सी एयर थी, दैट इज नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम जब रिलीज करते हैं, हम रेस्पिरेट प्रोसेस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से प्लांट से नाक से निकलती है, प्लस प्लांट से भी निकलते हैं, तो वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि और जो हम गैसेस रिलीज करें उस गैसेस को हम क्या करें, डायरेक्टली लाइव वाटर के अंदर डाल के देखें तो वो लाइव वाटर किसमें चेंज हो जाएगा, मिलती है। वहीं डस्ट स्मोक प्रेजेंट है क्योंकि जब किसी चीज़ को बर्न किया जाता है तो उसमें से डस्ट का स्मोक निकलता है, दैट इज, तो उसके लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा। तो मोस्टली अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस प्रेजेंट है।
अवेलेबल टू एनिमल प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड द सॉइल। कैसे ऑक्सीजन हरी के लिए अवेलेबल